एक स्टैंड अप कॉमेडियन लड़की का एक पुराना वीडियो चर्चा में है, जिस पर लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अपने इस कमेंट के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन इस वीडियो के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उन्हें रेप की धमकी देने वाला एक घिनौना पोस्ट किया। अब लोगों का गुस्सा रेप की धमकी देने वाले इस व्यक्ति पर फूट पड़ा है। स्वरा भास्कर ने ऐसा ही एक धमकी वाला वीडियो रीट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। हालांकि रविवार रात इस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया गया है। वडोदरा के रहने वाले शुभम मिश्रा नाम के व्यक्ति ने कॉमेडियन को रेप की धमकी दे दी, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। रविवार रात को इस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। इसके बाद ही तुरंत शुभम पर एक्शन लेते हुए उसको अरेस्ट कर लिया गया। स्वरा भास्कर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्री, शिवसेना के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को टैग करते हुए इस व्यक्ति की शिकायत की। उन्होंने लिखा था, इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, यह एक लड़की को खुलेआम रेप की धमकी दे रहा है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहा है, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। स्वरा के इस ट्वीट को रीशेयर करते हुए मराठी राइटर डायरेक्टर समीर ने भी इस व्यक्ति पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा, लड़की ने माफी मांगी है, लेकिन यह आदमी इतना घटिया है कि वह रेप की धमकी दे रहा है। वह लड़की के बारे में इतनी भद्दी बातें कह रहा है और अंत में महाराज का नाम ले रहा है, शर्म नहीं आती? यदि महाराज आज जीवित होते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता, उसे तुरंत गिरफ्तार कर सजा देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम प्लस।